राजस्थान के थार नगरी बाड़मेर जिले की सदर थाना क्षेत्र के बालेरा गांव की सरहद के पास स्कॉर्पियो में सवार होकर आए कुछ बदमाशों द्वारा बाइक सवार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताते मारपीट के बाद घायल को आसपास के मौजूद लोगों द्वारा जिला अस्पताल लेकर आया गया। वहीं जानकारी मिलने के बाद सदर थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची, जहां मारपीट की घटना की जानकारी जुटाई। साथ ही सदर थाना अधिकारी सत्य प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक माधव सिंह पुत्र शंकर सिंह राड़वा गांव निवासी, जो अपनी दुकान बंद करके मोटरसाइकिल से अपने घर की ओर जा रहा था, इसी दरमियान रास्ते में बलेरा और राड़वा गांव की सीमा पर स्कॉर्पियो में सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते उसके साथ मारपीट की। इसके बाद घायल को जिला अस्पताल में लाया गया और पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी जुटाने लगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर पूरे मामले का अनुसंधान किया जा रहा है और साथ ही पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सर, एक मारपीट का मामला आया, क्या मामला है? और अभी करीब आधा घंटा पहले थाने पर सूचना मिली थी कि माधव सिंह सनोप शंकर सिंह राजपुरोहित है, जो कि रड़वा से आगे राजपुरोहितों की ढाणी है, वहाँ का रहने वाला है, जो यहाँ कुर्जा फाटा पे फर्नीचर का काम करता है। अपने एक साथी के साथ मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था और तो बालेरा गांव जाने वाली जो रोड है वहाँ पे बालेरा होदी से आगे एक स्कॉर्पियो, जिसमें इनके गांव के ही इनकी जाति के ही इनके चचेरे भाई हैं, वो सवार थे। चार लोगों को ये नाम से जानते हैं और दो तीन लोग अन्य जिनको ये नहीं जानते, उन्होंने इनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी, नीचे गिर गए। उसके बाद में लाठियों से इसके साथ में मारपीट की है। अभी हम यहाँ मौके पर हैं हॉस्पिटल में और इनका इलाज करवाया है, पर्चा बयान लिए हैं, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और जो भी नामजद आरोपी है उनकी दस्तियाबी के लिए टीम जो है वो थाने से रवाना कर दी गई है। आज रात को ही हम इनको दस्तियाब करके और आगामी कार्रवाई करेंगे। सर, घायल की स्थिति कैसी है? घायल ठीक है, अभी बोल रहा है, बात कर रहा है। सिर में एक चोट है जिसमें टांके लगे हुए पट्टी बंधी हुई है, बाकी डॉक्टर्स ने कहा है कि घायल ठीक है। चोटें हैं, अब चोटों की गंभीरता के बारे में तो IR आने पर ही पता चलेगा, लेकिन अभी वर्तमान में वह बिल्कुल सामान्य स्थिति में। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।